Welcome to Smart School Kids and your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids and आपका प्यारा स्कूल. और आज हम और एक पजल वाली वीडियो देख रहे हैं, जिसका नाम है Guess Who Am I. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके ऑप्शंस दे रहेंगे और आपको उस ऑप्शन से सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर. तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस भाभी. यस ओके. तो उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, sportsite fallensports.com, marathi.com, android educational game craft channel और बाकी साइट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना. तो करते हैं आज के इस गेसिंग वाले वीडियो को. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाभी आपके लिए है ये वाला सवाल. आई एम द म्यूजिक बर्ड ऑफ इंडिया. आई डू नॉट बिल्ड माई ओन नेस्ट. आई ले माई एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट. तो बताओ मैं कौन हूँ. मैं भारत का एक म्यूजिक बर्ड कहलाता हूँ, गाने गाने वाला बर्ड. और मैं खुद का नेस्ट नहीं बनाता हूँ, मैं मेरे अंडे किसी और पंछियों के नेस्ट में डालता हूँ. तो बताओ मैं कौन हूँ, पता है आपको. चलो आपको दिए जाते हैं ये तीन ऑप्शंस, एक है कुकू, पिजन और पैरट. तो आपको बताना है इन तीनों में से किसका नाम है. ओके तो आपको दिए जाते हैं 5 seconds. ओके काउंट डाउन शुरू करते हैं भाभी. यस 5 4 3 2 1 0. राइट. तो बच्चों बताओ, आसान था ना ये, क्योंकि ऑप्शंस देने के बाद ये आसान बन जाता है. तो ये इसका ऑप्शन आंसर क्या है भाभी. कुकू. राइट इट इज कुकू ये ऑप्शन. और ये हमारी प्यारी सी कोयल जो बहुत ही सुरीला गाती है, पता है ना, इसीलिए इसको म्यूजिकल बर्ड बोलते हैं. चलो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड. मजा आ रहा है ना. ओके चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड. अभी क्वेश्चन है, आई एम कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो पूरी दुनिया में मुझे शांति का प्रतीक समझा जाता है, मुझे शांति का, पीस का, शांति का प्रतीक समझा जाता है. तो बताओ मैं कौन हूँ. आपके लिए ऑप्शंस देते हैं ये वाले, हमिंग बर्ड, डोव, पैरट. तो इन तीनों में से आपको चुनना है. आपके लिए दिए जाते हैं 5 seconds. राइट भाभी. यस ओके 5 4 3 2 1 एंड 0. तो क्या बच्चों आपने पहचाना, नहीं, क्या है भाभी इसका जवाब. डोव. राइट इट्स करेक्ट आंसर इज डोव. और ये होता है ये सफेद वाला कबूतर, करेक्ट, इसको डव बोलते हैं. तो जब भी शांति का संदेश देना रहेगा या पूरी दुनिया में शांति कायम रहनी है ऐसा सोचते हैं, तो हम इन पिजन्स को, इन सफेद वाले कबूतर्स को ऐसा उड़ाते हैं. ठीक है ओके मजा आ रहा है ना. Yes. नए नए क्वेश्चन के साथ कुछ नया सीख रहे हो ना. Yes. अगर सही लग रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना. चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाभी. Yes. Okay, क्वेश्चन नंबर 3. आई एम द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. आई एम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो ये दुनिया का सबसे छोटा पंछी है और ये एकलौता पक्षी है जो आगे भी उड़ता है और पीछे भी उड़ता है. तो पता है आपको कौन सा ही है. चलो दिए जाते हैं आपके लिए ऑप्शंस, ये है हमिंग बर्ड, क्रो एंड पिजन. तो बताओ भाभी इनके लिए कितने सेकंड्स दिए जाएंगे चाहिए. 5 seconds. चलो काउंट डाउन शुरू करते हैं. 5 4 3 2 1 एंड 0. ओके तो बच्चे लोग आपने पहचाना है. राइट ये तो आसानी से पहचाना रहेगा क्योंकि हमने ऑप्शन ही वैसे दिए. क्या है भाभी इसका आंसर. हमिंग बर्ड. राइट ये है हमिंग बर्ड और ये है उसका फोटो, ये देखो. तो ये छोटा सा पक्षी है लेकिन ये आगे भी उड़ता है और पीछे भी उड़ता है और एक ही जगह पे उड़ते उड़ते फूलों से शहद भी खींच लेता है. तो है ना कमाल का ये पक्षी भाभी. ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ये है आई ब्रेक ओपन एन ऑस्ट्रिच एग बाय ड्रॉपिंग अ रॉक ऑन इट. तो मैं क्या करता हूँ, ऑस्ट्रिच के जो अंडे रहते हैं उनको मैं फोड़ने के लिए उनके ऊपर पत्थर डालता हूँ. तो कितना अजीब है ना, अंडे फोड़ने के लिए उनको पत्थर डालने पड़ते हैं, मतलब कितने हार्ड अंडे होंगे ऑस्ट्रिच के. राइट तो बताओ कौन है ऐसा पक्षी जो ये काम करता है. ऑप्शन है आपके लिए पीकॉक, ईगल और वल्चर. थोड़ा सा मुश्किल है. ओके तो चलो आपके लिए दिए जाते 5 seconds. 5 4 3
टू वन एंड जीरो। क्या बच्चे लोग अपने पहचाना? तो थोड़ा सा मुश्किल है ना ईगल और वल्चर में, राइट भाभी? तो क्या है इसका एक्चुअल आंसर? वर्शल, राइट। इट्स अ वल्चर, गिद्ध, पता है ना। ये है इसकी फोटो, ये देखो ये गिद्ध है। इसकी चोंच इतनी ताकतवर है फिर भी इसको ऑस्ट्रिच के अंडे फोड़ने के लिए उनके ऊपर पत्थर डालने पड़ते हैं, है ना। मजेदार बात सीखी है ना आज हमने। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव अ टेल 4 times द लेंथ ऑफ माई बॉडी। मेरी पूंछ इतनी लंबी है कि मेरी बॉडी से वो 4 गुना ज्यादा है, तो बताओ मैं कौन हूँ? ऑप्शन है ये वाले, स्पैरो, शुगर बर्ड एंड रॉबिन। थोड़ा सा ये भी मुश्किल है, आपको दिए जाते 5 seconds। भाभी स्टार्ट योर काउंट। 5 4 3 2 1 एंड 0। तो बताओ भाभी इसका आंसर क्या है? शुगर बर्ड, राइट। इट्स अ शुगर बर्ड और ये है उसकी पिक्चर। देखो कितना छोटा सा है और उसकी पूंछ कितनी लंबी है, उसके बॉडी से 4 गुना ज्यादा है ना। तो ऐसे भी अलग अलग किस्म के पंछी होते हैं जो हमने शायद कभी देखे भी नहीं है। तो इसका नाम है शुगर बर्ड। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, 6th one। आई एम द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड। आसान सवाल है और आसान सवाल के ये आसान ऑप्शन है, वल्चर, ईगल, फाल्कन। शायद टफ है क्योंकि ऑप्शन ही थोड़े से हार्ड वन दिए हैं। तो चलो आपको गेस करने के लिए दिए जाते हैं 5 seconds। 5 4 3 2 1 and 0। तो बताओ बच्चों आपने पहचाना इसका आंसर? भाभी आपको पता है? Yes. बताओ। फाल्कन, राइट। ये है फाल्कन, ये है इसका करेक्ट आंसर। और ये फाल्कन का फोटो दिखने के लिए ये ईगल जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा उनसे अलग है, लेकिन बहुत फास्ट फ्लाई करता है ना। दिखने में भी डेंजर थोड़ा सा, उनके देखो नाखून कैसे उसके पैरों के, राइट। ओके यही फिर खत्म करते हैं आज के हमारी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।